सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं समोसे, वो भी चिकन के कीमे के। बहुत ही टेस्टी समोसे बनते हैं, अक्सर हम ये बाजार से लेकर खाते हैं, लेकिन आज ये हम अपने किचन में ही बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समोसों के लिए आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और 4 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल। इसकी जगह आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं या फिर वनस्पति घी ले सकते हैं। मेरे पास ऑयल था, मैंने ऑयल ही लिया है। उसके अलावा 2 चुटकी मैंने लिया है अजवाइन और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो सबसे पहले अब हम आटा गूंदते हैं। तो आटे में हम डाल देते हैं नमक, अजवाइन और ये ऑयल। सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैदे में हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस तरह से ये जुड़ जाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं जुड़ रहा है आपका मैदा तो थोड़ा सा आप इसमें ऑयल या घी और डाल दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बहुत थोड़ा थोड़ा, मैं इसका एक टाइट डो बना लूँगी। टाइट डो बनाना है। देखिए, हमने एक टाइट सा डो बना लिया है। इसमें 1/2 कप से भी कम पानी गया है, तो थोड़ा सा तो अभी मैंने इसको मसल लिया है और बाकी का जब मैं इसके समोसे बनाऊंगी तब मसलूंगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ ऑयल। और इसको कवर करके मैं छोड़ देती हूँ जब तक कि हम समोसे का कीमा जो है बैटर मिक्सर तैयार करें। तो आइए हम समोसों की स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1/2 किलो मैंने लिया है चिकन का कीमा। इसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था, अब इसका पूरा पानी निचड़ गया है। उसके अलावा 1 मीडियम साइज की प्याज लेके मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है बारीक कटा हरा धनिया। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जीरा। 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है कुटा हुआ साबुत धनिया। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला होममेड है, थोड़ा तेज़ है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है अमचूर पाउडर या खटाई। इसकी जगह आप चाहें तो 1/2 लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। तो एक पैन के अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर डाल देते हैं हम अपनी जीरा। इसे नीचे पकने देते हैं और डाल देते हैं साथ ही में हम इसमें ये प्याज। प्याज को सिर्फ हम 2 मिनट फ्राई करेंगे, गोल्डन नहीं करना है, बस प्याज का हमें कच्चापन खत्म करना है। तो प्याज 2 मिनट फ्राई हो गई है, अब हम डालते हैं इसके अंदर चिकन का कीमा, जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून लेते हैं। जब तक कि कीमे का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाएगा। कीमे को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम डाल देते हैं इसमें सभी सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर, कूटा धनिया, नमक और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिक्स कर लेती हूँ सभी चीज़ों को अच्छे से। जो इसके लम्स बन रहे हैं उनको हम तोड़ लेंगे। थोड़ा सा
हम इसमें पानी डाल देते हैं 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको कवर करके हम 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि हमारा जो चिकन का कीमा है वो अच्छे से पक जाए। कीमा हमारा अच्छे से गल गया है और जो इसके पीसेस मोटे मोटे थे वो हमने इसको स्पैचुला से उनको तोड़ दिया है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसमें बारीक कटा हरा धनिया मिला देते हैं और इसको मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो हमारा जो है समोसों का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम अपने आटे की तरफ आते हैं। तो आटा देख लीजिए आप, इसको हम थोड़ा सा दोबारा से चिकना कर लेते हैं। ये समोसे हम बनाने वाले हैं हाफ मून की शेप में। आप चाहे तो नॉर्मल जो समोसा होता है आलू का उस शेप में भी बना सकते हैं। तो इसके पहले मैं तोड़ लेती हूँ 4 पेड़े। बराबर के इनको रोल कर लेती हूँ। तो देखिए हमने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको कवर करके एक साइड में रख देते हैं। तो पहले हम लेंगे 1 पेड़ा और इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम हाथों से फैला लेंगे। अब हम इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेते हैं, ना तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए। अब हम इनको एक या तो हम इस तरह से ढक्कन ले लेंगे या फिर एक कुकी कटर ले लेंगे, इस तरह से इनको काट देंगे। ये देखिए पहले हम अपनी ये जो हमने कटिंग की है इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इस तरह से। और समोसों का जो साइज है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब इसकी जो एजेस हैं मैं उनके ऊपर लगाती हूँ पानी। और इसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर हम एक साइड में भर देते हैं इस तरह से। और ये हम इसको यहाँ से कर देते हैं बंद। ये देखिए आप पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब लेंगे हम एक फोक, ये देखिए, और इससे इस पर इस तरह से हम लगा देते हैं निशान। देखिए आप कितना खूबसूरत हमारा जो समोसा है, ये देखिए आप ये नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं। समोसे हमने तैयार कर लिए हैं और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रखा है। ऑयल का टेम्परेचर काफी कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले हम एक आटे की छोटी सी बॉल बना के अपने ऑयल में डालते हैं। अगर ये देखिए ये देर में ऊपर आई है तो इसका मतलब है टेम्परेचर ठीक है। अगर ये फौरन ऊपर आ जाती तो इसका मतलब है इसका ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा था। तो एक एक करके मैं बहुत हल्के हाथ से सभी समोसों को डालती जाती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, ओवर क्राउड नहीं करेंगे हम इसे। अब हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे पहले थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। जब इन पर ये थोड़े से अंदर से पक जाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा टेम्परेचर अपना बढ़ा देंगे। तो समोसों पर थोड़ा सा कलर आने लगा है, ये देखिए आप। तो अब हम जो है थोड़ा सा इसका जो अपनी फ्लेम है उसको लो टू मीडियम कर देंगे। पहले ही बिल्कुल लो थी।
देखिए हमारे समोसों पर कितना खूबसूरत कलर आ गया है और एकदम ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इनको, ये देखिए आप कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अब हम इनको एक किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। तो देखिए तैयार है हमारे जबरदस्त तरीन चिकन के समोसे, इतनी आसानी से बन गए हैं। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा समोसा नजर आ रहा है।